ये देखिए मैंने यहाँ पर 18 फंदे लिए हैं, 14 फंदे सात के मल्टीपल से लिए हैं, दो बार सात सात फंदे लिए हैं तो 14 फंदे प्लस चार फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, दो फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 16 फंदे हो गए, दो फंदे स्टिच के लिए तो 18 फंदे, नीचे से बेस देने के लिए दो रॉ उल्टे फंदों के साथ निकाल ली है। तो चलिए बनाते हैं पहली रॉ सीधी साइड, स्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, चाय डालेंगे। ये देखिए तीन फंदे छोड़कर यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, पांच फंदे सीधे, चाय डाली, ये सात फंदों का पैटर्न है, दो चार छः सात, फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, चाय डालेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे दो पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट में स्टिच सीधा बुन लेंगे। पहली रॉ कंप्लीट हो गई है, दूसरी रॉ रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे, हर बार रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे। तीसरी रॉ सीधी साइड, स्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे ही बुनेंगे, एक दो, यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, जाए डालेंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, चार फंदे सीधे, जाए डाली, एक फंदा सीधा, फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चाय डालेंगे, एक फंदा सीधा, स्टिच सीधा बुनेंगे। तीसरी रॉ कंप्लीट हो गई है, चौथी रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पांचवी रो सीधी साइड, स्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, चाय डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, तीन फंदे सीधे, चाय डाली, दो फंदे सीधे, फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, चाय डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, स्टिच सीधा बुनेंगे। पांचवी रॉ कंप्लीट हो गई है, छठी रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। सातवीं रॉ सीधी साइड, स्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, जाए डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, दो फंदे सीधे, जाए डाले, तीन फंदे सीधे, फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक दो, जाए डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक
दो तीन ए स्टिच सीधा बुनेंगे। सातवीं रॉ कंप्लीट हो गई है, आठवीं रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। नौवीं रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, चाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, एक फंदा सीधा, चाई डाली, चार फंदे सीधे। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, चाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, ए स्टिच सीधा बुनेंगे। नौवीं रॉ कंप्लीट हो गई है, दसवीं रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। ग्यारहवीं रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, जाई डाली, पांच फंदे सीधे बुने। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, एस्टिच सीधा बुनेंगे। तो देखिए 11 रॉ कंप्लीट हो गई है, 12 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 12 रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से 12 रॉ रिपीट करेंगे, लेकिन इस पैटर्न को शफल करेंगे। पहले हमने इस पैटर्न को इस साइड से इस साइड को बनाया था, अब इस साइड से इस साइड को बनाएंगे। तो देखिए 13 रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने जाई डाली, पांच फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे दो पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो, एस्टिच सीधा। तो देखिए 13 रॉ कंप्लीट हो गई है, 14 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। पंद्रह रॉ है सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, चाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फंदा सीधा बुना, चाई डाली, चार फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो देखिए एक फंदा
सीधा जाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच सीधा। 15 रॉ कंप्लीट हो गई है, 16 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। सत्रह रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने, जाई डाले, तीन फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच सीधा। 17 रॉ कंप्लीट हो गई है, 18 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। उन्नीस रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, चाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने तीन फंदे सीधे बुने, चाई डाली, दो फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो एस्टिच सीधा। तो देखिए 19 रॉ कंप्लीट हो गई है, 20 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। इक्कीस रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने चार फंदे सीधे बुने, जाई डाली, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो एस्टिच सीधा। 21 रॉ कंप्लीट हो गई है, 22 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तेईस रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, जाई डालेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने पांच फंदे सीधे बुने, जाई डाली, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो देखिए पांच फंदे सीधे, एक दो
तीन चार पाँच जाए डालेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में दो फंदे सीधे एक दो स्टिच सीधा बुनेंगे। 23 रॉ कंप्लीट हो गई है। 24 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 24 रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो ऐसे ही बार बार इसकी 1 to 24 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, लेडीज शर्ट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको हमारे पैटर्न्स कैसे लगे। अगर आपको हमारे पैटर्न्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से हाजिर होते हैं ऐसे ही और नए नए पैटर्न लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।